हेलो फ्रेंड्स, माय सोलर सनी पीमा फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU एंड यू आर वाचिंग ASS ट्यूटोरियल्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के अगला पार्ट, जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। केमिकल काइनेटिक्स आपका प्लेलिस्ट फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर रखा जा रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करके, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोटिवेशनल चैनल का भी लिंक दिया गया, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। वो सब्सक्राइब होगा तभी आपको सपोर्ट मिलेगा हमको, ठीक है, तो उस पर नए वीडियोज़ भी डालेंगे जो कि आपको मोटिवेट करेगा अच्छा खासा, ठीक है। चलिए पहले सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, शुरू करते हैं आप केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें जो आज का डिस्कशन है दैट इज़ योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए कि रिएक्शन ए से बी बन रहा है, क्या बन रहा है, ए से बी। तो आप रेट कैसे लिखते हो, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपॉन समथिंग पावर। तो जब नाम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो ये पावर कितना हो जाएगा, जीरो। तो रेट क्या आ गया आपका, के, डेट इज़ इक्वल टू रेट कांस्टेंट। यानी कि यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि भैया जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही डिस्कस कर रहा हूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। बात समझ में आ रही है ना, पहला पॉइंट ये हो गया, क्योंकि देखो रेट क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है, क्लियर। चलिए रेट को एक और तरीके से लिख सकते हैं, रेट क्या होता है मैंने बताया था पहले वीडियो में, DA/DT, ठीक है, मतलब जितना ए के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेट, ठीक है। रेट का आपका दोनों इक्वेशन आ गया, आप क्या करो दोनों को इक्वल कर दो, DA/DT, इधर से मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, DA/DT इक्वल टू के, एक और हो जाएगा, ठीक है, उसका क्या करो DA/KdT, इंटीग्रेशन कर दो आप जीरो से टाइम टी, मान लो कि हाँ मान लो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर जब रिएक्शन शुरू हुआ था तो ये कितना था, C0 था, ये जीरो होगा। टाइम टी इक्वल टू जीरो पर आपने पूरा रिएक्टेंट ही तो लिया था, सिर्फ ए ही लिया था, बाद में ना बी बना, तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर ए कितना आपने C0 लिया, बी जीरो है, टाइम टी इक्वल टू टी पर ये कम हो गया, दैट इज मान लीजिए आपका CT हो गया, ठीक है, या मान लीजिए ऐसे मान लीजिए C0 माइनस एक्स गया है तो ये एक्स बनेगा भी, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये जो C0 माइनस एक्स, इसको मैं मान लेता हूँ CT, बचा CT, तो आपको इंटीग्रेशन कितना करना है, C0 शुरुआत का था और फाइनली कितना है CT, जीरो से टाइम टी तक कर सकते हो इंटीग्रेशन, करो इंटीग्रेशन देखते हैं हम आगे, तो ये कितना हो जाएगा, C0 माइनस CT, ठीक है, इक्वल टू के बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा KT माइनस जीरो करके, तो कितना आ जाएगा, C0 माइनस CT इक्वल टू KT, बात समझ में आ रहा है ना, ये C0 माइनस CT इक्वल टू कितना आ रहा है, KT आ जाएगा आपका। इसे क्या निकाल सकते हो आप, C0 कितना हो जाएगा CT प्लस KT, या CT इक्वल टू कितना हो जाएगा C0 माइनस KT। ये इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इसको ऐसे भी लिखा मिलता है आपको, AT इक्वल टू A0 माइनस KT, ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये बेसिक इक्वेशन किसका है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, हमने डिराइव करके निकाला, तो आपको समझ में आना चाहिए, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कि कंसेप्ट इंप्रूवमेंट होगा आपका, कि भाई ये चीज़ नया पता चला, कैसे रेट लिखते हैं वो पता चला, रेट को कैसे इक्वल करते हैं, कैसे इंटीग्रेशन हमको समझ में आएगा, इंटीग्रेशन होता क्या बेसिकली, तो आपको याद क्या रखना भैया, यही AT इक्वल टू A0 माइनस KT, ये क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, हर टर्म को क्लियर रखो अपने आप, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, ये क्या है, टाइम जो लैप्स हुआ, और ये रेट कांस्टेंट, तो हर टर्म क्लियर रहेगा आपको, तो आपको क्वेश्चन करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला ही क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं इसके T½ निकालते हैं। देखो हर ऑर्डर में हम लोग दो ही चीज़ तीन चीज़ डिस्कस करेंगे, पहले तो उसका हम इक्वेशन निकालेंगे, नेट इक्वेशन क्या है उसका, रेट इक्वेशन क्या है, उसके बाद हम निकालेंगे उसका T½, उसके बाद निकालेंगे हम उसका ग्राफ। तो T½ क्या होता है, जैसे मान लो ए से ये बी जा रहा था, तो ए मान लीजिए ए शुरुआत में कितना है, C0 है, तो इसका 50% डिग्रेड कर जाए, मतलब बचे कितना, ये मात्र C0/2 बचे जब,
फिर से आपके पास 100 रुपये हैं, आपके पास कितना है 100 रुपया है, 100 में से मान लो आप 50 खर्च कर दिए, तो कितना टाइम में आपने 50 रुपये खर्च किए हो, कितना टाइम में 50 रुपये खर्च किए हो, दैट टाइम इज़ टी हाफ। नहीं सुन में आया। देखो क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में क्या होता है, मान लो कोई बैटिंग कर रहा, सहवाग बैटिंग कर रहा है, तो मान लो 100 रन मारा था वो, तो पता करना 100 रन मार के आउट हो गया, तो मान लो कि 50 रन कितने टाइम में मारा, दैट इज़ टी हाफ। टी हाफ मतलब आधा काम कितने समय में हुआ, आधा काम कितने समय में हो पाया, ठीक है। तो ये टी हाफ, तो ये था शुरू में सी नोट, बाद में कितना हो गया ये सी नोट बाई टू, तो सी नोट से सी नोट बाई टू होने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टी हाफ। आइए निकालते हैं इसका बेसिक इक्वेशन क्या था, जीरो ऑर्डर का सी टी इजकल टू सी नोट माइनस के टी, ठीक है। सी टी क्या है, फाइनल कितना बच रहा है, सी नोट बाई टू बच रहा है, सी नोट इनिशियल माइनस के, टाइम कितना लग रहा है, टी हाफ। तो इसको सॉल्व करो आप, के टी हाफ को इधर ले आओ, ठीक है, के टी हाफ इजकल टू क्या जाएगा, सी नोट माइनस सी नोट बाई टू, तो कितना लगा ये सी नोट बाई टू इजकल टू के टी हाफ, तो यहाँ से टी हाफ कितना आ जाएगा, सी नोट बाई टू के। ये तो आपको मैं बोल रहा हूँ रटने के लिए नहीं, आप सब कुछ डिराइव देखें, डेरिवेशन देखें, ठीक है, ठीक है। आपको क्वेश्चन करते करते याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, रटो नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ रटना मना है आपको, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन करते करते आपको याद हो जाए। यहाँ से आप देख पा रहे हो जो टी हाफ है, जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन वही इंपॉर्टेंट है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, टी हाफ किस पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, जबकि जीरो ऑर्डर के लिए रेट डिपेंड नहीं कर रहा था, रेट कितने किसके इक्वल आ रहा था, रेट कॉन्स्टेंट के इक्वल, रेट डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन पर, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बहुत बार पूछा जाता है, क्लियर हो जाएगा आपको, समझ में आ रहा है बात, टी हाफ किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं टी हाफ, ठीक है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसका, अब देखते हैं इसके ग्राफ्स, ग्राफ्स कैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे जो पहला ग्राफ आता है इस पर बेस्ड, वो आता है कि भैया आप तो ये बता दें कि जो रेट है और कंसंट्रेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में कौन सा ग्राफ आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में कैसा ग्राफ आएगा। तो आपको पता है रेट इजकल टू होता है रेट कांस्टेंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। सबसे अच्छी बात क्या हो गया सबसे अच्छी बात कि भैया जो रेट है वो तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है ना, तो बस रेट क्या होगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल ही होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता रेट को, क्यों, क्योंकि रेट तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। अपन देख चुके हैं रेट क्या था, के इंटू ए टू दी पावर जीरो, ए टू दी पावर जीरो के वन आर इजकल टू के, सबसे पहला ग्राफ बात समझ में आया। अगला ग्राफ देखते हैं हम लोग, चलिए अगला ग्राफ क्या बोल रहा है कि आपको ये टी हाफ इक्वल टू क्या था, सी नोट बाई टू के। आपसे पूछ सकता है कि भैया चलो एक ग्राफ बनाओ जिसमें कि टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन को बताना है आपको, तो ठीक है, ये तो दोनों, ये तो नंबर है कांस्टेंट, ये तो रेट कांस्टेंट है, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सी नोट। तो ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर ग्राफ, सीधा ग्राफ आएगा, क्योंकि तो दोनों प्रोपोर्शनलिटी में है, बात समझ आ रहा है। एक और ग्राफ पूछता है आपसे, सी टी इजकल टू सी नोट माइनस के टी का ग्राफ पूछ सकता है, बोलेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाओ, किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का टाइम के साथ। तो आप कैसे कंपेयर करोगे, ध्यान से देखना, वाई इजकल टू क्या है, एम एक्स प्लस सी, ठीक है, वाई इजकल टू क्या है, एम एक्स प्लस सी, एक्स पर क्या है, टाइम, ये तो एक्स क्या हो गया, टाइम, यानी कि जो स्लोप है, एम क्या होगा, माइनस के इक्वल होगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी पता है हमको, हमने वाई पर क्या रख दिया है, वाई पर क्या रख दिया है, सी टी, टाइम पर क्या रख दिया है, टी, एक्स पर है, तो एक्स के जो भी मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, स्लोप, स्लोप कितना है, माइनस के, तो माइनस के स्लोप हो गया, इंटरसेप्ट कितना है, सी नॉट, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लोगे आप, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा विथ जो स्लोप है वो नेगेटिव होना चाहिए और इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए, सी नॉट होना चाहिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपको, ग्राफ हो गया, इक्वेशन कर लिया हम लोग, वो कर लिया, अब एक और चीज़ करना है, इसके लिए यूनिट की बात करेंगे, जो रेट कांस्टेंट अपना के, के का यूनिट का डिटरमाइन करेंगे, के का यूनिट क्या होना चाहिए। देखो जनरल इक्वेशन जो आता है वो क्या है, मोल वन माइनस एल
एल एन माइनस वन पर सेकेंड। ये जनरल इक्वेशन है रेट, मतलब रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट निकालने का, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है। इसको कैसे याद रखोगे, देखो मोल टू दी वन, जो कन्फ्यूजन क्या होता है कि मोल पर वन माइनस एन पावर होगा कि एल पर एन माइनस वन पावर होगा, ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो अब देखो आप याद करना एल एन, एल एन मीन्स एल एन क्या हुआ, एल एन क्या हुआ, एल एन एल एन याद रहेगा ना, मतलब एल के ऊपर एन से शुरू होगा, एल माइनस वन मोल वन माइनस एन, और एन क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको भी डिराइव कर सकते हो, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब बताओ अभी कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम, जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं ना, तो इनका वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो पुट करो मोल वन माइनस जीरो एल जीरो माइनस वन पर सेकेंड, तो क्या लगेगा मोल लीटर इन्वर्स पर सेकेंड, ठीक है, किसका यूनिट हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो जब भी आपको ऐसा यूनिट मिल जाए जीरो ऑर्डर में, तो आपको मतलब ऐसा यूनिट कभी भी लिखा हो तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये रिएक्शन कैसा है भैया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पहचानना पड़ेगा, पहचानने के लिए आता है कि भाई बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, तो आप बता दो भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बस समझा रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता ऑर्डर, ऑर्डर आपको इसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा, तभी तो फॉर्मूला यूज कर पाओगे ना, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए और मोटिवेशनल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।